आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर के साथ ही कानूनों में कई तरह के बदलाव हुए हैं, खासतौर पर यदि आप गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहते हैं तो ऐसे में क्या कुछ बदलाव हुए हैं जिसका आपको पालन करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है आरटीओ जम्मू धनंतर सिंह जी। सर आपका स्वागत है। आज से क्या क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए कोई मेजर चेंजेस तो नहीं है, लेकिन कुछ चेंजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं तो वो यहाँ पे हमारे J&K में वो भी इन टोटो इम्प्लीमेंट की जाएंगी। इसमें ऐसा है कि जैसे आपके हमारे 2 ऐप्स हैं, पोर्टल हैं, एक डिजी लॉकर है ऐप और एक है एम परिवहन। उसमें एक डिजिटल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वो डिजिटल फॉर्म में वैलिड है, अवेलेबल हैं, और आपके पास फिजिकल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको कोई चलान वगैरह नहीं हो सकता है, वो डिजिटल फॉर्म में अब लीगल टेंडर उसको मिल चुका है। साथ में यह है कि जैसे आपने कोई किसी ने वायलेशंस किए हैं, आपका जो पोर्टल है, जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड कोई वायलेशन है तो हमारा जो सारथी पोर्टल पे आपका वो ऑनलाइन डिजिटली उसको हम वहाँ पे मतलब वो लिख लिया जाएगा कि आपकी वायलेशन हो चुकी है। जब आप दोबारा फिर वायलेशन करोगे तो आपका 2 बार हो गया, 3 बार अगर आपकी वायलेशन आई तो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा। सिमिलरली आपका वाहन पोर्टल पर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस का तो इशू उसमें सारथी पे जाएगा, लेकिन मान लो आपने रोड परमिट की वायलेशन की है, आपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई वायलेशन की है तो वो जितने बार आप करोगे आपके पोर्टल पे जो है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड कर दी जाएगी, और जब आप 2 या 3 बार करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो पनिशमेंट जो है इन शेप ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन वो हो जाएगी, उसमें आप बच नहीं पाओगे। एट प्रेजेंट आज से पहले हमारे पास ऐसा था कि मान लो आप हैबिचुअल वायलेटर हो, आपके पास मैनुअल चलान होता है, आप 50 बार भी आपको चैलेंज होगा तो आपको हम चेक नहीं कर सकते हैं। मान लो आपने दुम्बर में, आपने रामबन में, डोडा में आपका 2-2 बार चलान हो चुका है, जम्मू में आपका यहाँ पे 4 बार हो चुका है, लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे पास मैनुअल था, ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता था। वो उससे क्या होगा कि जो वायलेशंस हैं, जो रिपीटेड वायलेशंस या हैबिचुअल वायलेशंस जिनको हम कहते हैं, उनको चेक करने में मौका मिलेगा, और उससे क्या होगा कि जो रोड सेफ्टी रूल्स की वायलेशन होती है वो कम करेंगे लोग, क्योंकि उसमें पकड़े जाएंगे, छूटने का चांसेस कम है। इसके अलावा किसी के पास डॉक्यूमेंट भी है लेकिन उस समय प्रेजेंट नहीं है जब वो नाके पे पकड़ा जाता है, उस कंडीशन में इसके लिए जो नोटिफिकेशन से 15 दिन का टाइम है उस एप्लीकेंट का या ओनर जो व्हीकल का है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो within 15 days वो जिस अथॉरिटी ने उसको गाड़ी उसकी सीज की है या जिसको रोका हुआ है, चाहे वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का लोग हैं या ट्रैफिक के लोग हों, तो within 15 days आपके वो डॉक्यूमेंट्स को दे सकता है, तब तक उसको चलान नहीं कर सकता कोई। इसके अलावा कुछ यूनिफॉर्मिटी भी आई है कि लाइसेंस जो है वो सेम कलर के होंगे ऑल ओवर इंडिया में या रजिस्ट्रेशन, उसमें प्रोविजन है माइक्रोचिप का, जैसे एक जो हमारे RC है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम कहते हैं, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है एक चिप लगी होती है, और यूनिफॉर्म ऑल इंडिया लेवल पे होगा, तो उसके लिए जो यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे तो हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमारे पास जो चिप वाले लाइसेंस जो है J&K में नहीं है, हम उनको स्टार्ट करने में अब जैसे ये नोटिफिकेशन अब आज से स्टार्ट हुई तो अभी हमारे पास फॉर्मली कोई ऊपर से ऑर्डर्स जो हमारे हायर अथॉरिटी से अभी पहुँचे नहीं है, तो जो भी होगा तो उसको हमें जब ऑर्डर्स हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो साथ में इसमें एक चीज़ मैं आपके माध्यम से और बताऊँगा कि जैसे मोबाइल जो यूज़ है वो आपका मोबाइल ड्राइविंग आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ये नई नोटिफिकेशन है इसमें एक चीज़ अलो की हुई है कि रूट नेविगेशन के लिए आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हो, बट आपकी ड्राइविंग उससे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप गाड़ी को स्लो करके रूट नेविगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, गाड़ी को रोक के कर सकते हो, उसके लिए आपका चलान जो नहीं होगा। आज से पहले यह था कि अगर आप गाड़ी का मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आपका चलान हो जाता था, अब मोबाइल रूट नेविगेशन आप यूज़ कर सकते हो, वो भी इस नोटिफिकेशन में है, आज से वो भी इम्प्लीमेंट है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से 4G यहाँ पर हैम्पर की गई है, उससे इसका कोई कंसर्न, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ पाएगा? देखिए जो ये एप्लीकेशन है ये 2G पे भी खुल जाती हैं, हाँ ये जरूर रहेगा कि जो डाउनलोड करनी है अगर आप ऐप आपने या डिजी लॉकर या एम परिवहन तो उसको कहीं आप 2G पे डाउनलोड नहीं कर पाओगे, टाइम लगता है, तो इसलिए एक बार जब डाउनलोड हो गया तो उसका यूज़ जो है आप 2G पे कर सकते हो, ऐसी दिक्कत नहीं है। सर इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज हैं, जैसे गाड़ियां जो है वो 15 साल के बाद उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिल पा रही, क्या उसके ऊपर गवर्नमेंट अभी कुछ इनिशिएट लेने जा रही है? देखिए इस क्वेश्चन का रिप्लाई तो मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरे मैंडेट से बाहर है, गाड़ियों का एज बढ़ाना जो है वो गवर्नमेंट का एक प्रेरोगेटिव है, तो इसमें फाइल चल रही है, अंडर सबमिशन है, एग्जामिन हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, तो जो भी डिसीजन उसमें आएगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एट प्रेजेंट हम जो 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ उनकी रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं। सर अभी तक डिजिटल तरीके से जो चलानिंग है वो तो शुरू हो चुकी है, अब आप डिजिटल मोड पे जा सकते हैं, ई चलानिंग का प्रोसेस अभी तो कुछ प्रोसेस हो पाया? देखिए आपने देखा होगा कि जो कुछ 2 दिन पहले से ही ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे ई चलानिंग ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट की हुई है, तो वो चल रहा प्रोसेस, और उसका हमारा जो पर्पज़ है ये है कि वो हमने ई चलानिंग में पूरा शिफ्ट होना है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रायल बेसिस पे ट्रैफिक ने स्टार्ट किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
तो ये थे आरटीओ जम्मू धनंजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि दो चीज़ें मुख्य तौर पर हैं। एक तो डिजिटल मोड अब शुरू हो चुका है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होंगे तो 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। आपको यदि आप वायलेशन आपने नहीं की उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अपने शो जो है वो 15 दिन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अब ये एहतियात ज़रूर बरतना है कि अब कहीं ना कहीं मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो खासतौर से आपके ऊपर निगाहें ये रख पाएगा कि कहीं आप हैबिचुअल वायलेटर्स तो नहीं है, क्योंकि पहले सिर्फ मैनुअल होता था, आप जितनी बार भी यदि आपके चलान हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब दो बार तीन बार चार बार चलान होंगे तो उसके बाद एक कड़ा जो है आपको जो आपका लाइसेंस जो है वो भी कट हो सकता है और बड़ी से बड़ी सज़ा भी आपको ज़रूर मिल सकती है। इसीलिए अब नए जो लॉ आए हैं उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करें ताकि आपको किसी तरह की कोई असहूलियत ना महसूस करनी पड़े। आप जुड़े रहिए व्यूज टुडे न्यूज़ के साथ, मुझे नमित कुमार उपेकर, मेरे को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।